इसका बचपन का दोस्त है हस्ती। जो चीज नहीं हो सकती थी ना वो करके दिखाएंगे आपको। जादू हो गया जादू। फिर अब पेट डोमेस्टी पे आने का फायदा तो होगा लोगों का बहुत बहुत भाई। मतलब जो उम्मीद कहीं नहीं है ना वह यहाँ हो सकती है। वह यहाँ हो सकती है। आज के व्लॉग में कुछ ऐसा हो रहा है दोस्तों जो मतलब कि सपना मतलब सपनों में भी नहीं सोच सकते थे कि वो चीज हो सकती है। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया है कि खुशी की हमने ट्रेनिंग शुरू करवा दी है। और ट्रेनिंग कहाँ शुरू हुई है? पेट डाइवर्सिटी फार्म पे। सो हमने नेक्स्ट मंथ से हमने लॉन्च करना था बट मैं करना तो नेक्स्ट मंथ ही है बट आप लोगों को पहले ही अपडेट दे दिया दो दिन पहले कि हम डॉग ट्रेनिंग भी शुरू कर रहे हैं पेट डाइवर्सिटी फार्म पे। सो किसी को भी डॉग ट्रेनिंग करानी हो तो आप पेट डाइवर्सिटी के नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमने दो पैकेज रखे हुए हैं जो लोगों की पॉकेट को ध्यान रखते हुए कि एक मिडिल क्लास आदमी भी उस चीज को करवा सकता है। सबसे बड़ा इश्यू आता है आप लोगों के पास डॉग्स हो जाते हैं बट ना कई बार क्या होता है कि वो आपकी बात नहीं सुनते है ना। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल गेस्ट आए हैं और डॉग आपका सबसे बड़ा इशू ये होता है डॉग जाता है और वो ऐसे ऐसे मतलब प्यार कराने की कोशिश तो करता ही ऑब्वियस सी बात है बट हर बंदा उस चीज को पसंद नहीं करता ठीक है। सो फिर हम क्या कहते हैं गो इनसाइड और वो बात मानता नहीं है बट हमारे बच्चे 101% बात मानेंगे। सो ऐसे ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग्स है बहुत ज्यादा ट्रेनिंग। सो ओबीडियंस ट्रेनिंग भी कराएंगे हम गार्डिंग की ट्रेनिंग भी कराएंगे और थर्ड क्या होता है शो ट्रेनिंग वो भी कराएंगे। सो आपके पास दो ऑप्शन है जो हिसार सिटी में रहते हैं या आसपास रहते हैं वो तो चाहे ऐसा है जैसे स्कूल वाला सिस्टम है सुबह छोड़ जाओ शाम को ले जाओ वो हम आपको टाइमिंग्स बता देंगे क्योंकि अलग अलग बैच चलेंगे। सो उस टाइम छोड़ जाओ और शाम को ले जाओ जैसे भी होगा। और अगर आप लोग यूं कहते हो कि नहीं भाई हम तो आपके पास ही छोड़ेंगे सो हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी भी है सो कोई इशू नहीं है। अब जो मैंने ये चीज इसलिए करी क्योंकि हर पेट ओनर को दिक्कत थी इस चीज से सो उन सबके लिए एक बहुत अच्छी चीज ले गया है। दोस्तों आज सुबह सुबह आया हूँ मैं लेट्स सी और हमारे सुमित भाई भी आए आज। सुमित गेट के हाथ मार दे और गेट बंद कर दे। ये लो भाई सुबह सुबह का टाइम। ओ इना मीना हाँ क्या हुआ क्या हुआ ये हमारे गेस्ट है। हाँ ये हमारे गेस्ट है भाई कल कल वाले व्लॉग में दिखाया था आपको। बस ये देखो कूजो का ये सीन है भाई ऐसे रख के ना खाता नहीं है कि ऐसे छोड़ के चले जाओ इसको बैठ के साथ में खिलाना पड़ता है। जैसे कि अब आप देख रहे हो खा रहे हैं मैं दूर ही रहता हूँ ये खाना खा रहा है रात का खाना खा रहा है तो पापा इसको साथ में बिठा के ही खिला रहे हैं। इसकी ये आदत है कि मतलब कि ऐसे रख के छोड़ दो कि ये खाए नहीं गा सो प्रॉपर टेक केयर होती है यहाँ पे। बट एक सीन है वो मैं आपको भी वापस बोल देता हूँ हम ऐसे ही किसी भी डॉग को बोर्डिंग में नहीं लेते। मेन इश्यू होता है कि एक तो पहले वैक्सीनेशन पूरी होनी चाहिए डॉग हेल्दी होना चाहिए टिक्स वगैरह कुछ ना होने चाहिए तो ये चीज़ें देख के फिर हम डॉग्स को लेते हैं ताकि सबकी हेल्थ मेंटेन रहे ठीक है। तो ये आप लोगों को एक बार अपडेट देना था बाकी और कोई इशू नहीं है। इनका रात का खाना बन रहा है पनीर और फीड वगैरह मिलता है सो वो खा रहा है देखो कुछ अपना खा रहा है भाई कुछ ने खाना खा लिया पूरा कंप्लीट कर दिया प्यारा बच्चा है। सो अब बारी अपने दूसरे डॉग्स की देख लो थोरू को ये इसका बचपन का दोस्त है हस्की और इसके साथ लड़ाई करने लग रहा है। वो कुछ कह रहा है तेरे को है वो क्या हस्की कह रहा छोड़ दे मेरे को भी इसको देख लो हाँ हाँ क्या कह रहा है छोड़ दू टाइट पकड़ी हो यहाँ से पकड़ ले जा छोड़ दे थोड़ो पूरी कैलोरीज बर्न करते हैं चले अब थोड़ी चले भाई ओ भाई साहब थोड़ी भाई साहब
सो दिस इज अ नॉर्मल डे, आज कूजो कल जाएगा कूजो, सो इसको मैं वॉक पे लेके जाऊंगा। ये दोनों बच्चे अपने यहाँ बैठे हैं और आप सब लोगों के लिए सरप्राइज था जो बहुत बड़ा रिवील होने वाला है। थोड़ा सा हिंट अभी दे देता हूँ, मेरा भाई है राकेश। सो अब हम साथ में पेट डाइवर्सिटी के अंदर एक और पॉइंट जोड़ दिया है, डॉग ट्रेनिंग का। सो सबसे बड़ा इश्यू होता है, लोग अपने पास डॉग्स रख तो लेते हैं बट वो ट्रेन नहीं कर पाते, जिस वजह से उनको अपने फरी फ्रेंड्स किसी और को देने पड़ते हैं या फिर वो तकलीफ में रहते हैं क्योंकि वो घर में कुछ ना कुछ नुकसान करते रहते हैं, जैसे कि आपके फर्नीचर को काट लेते हैं, ठीक है, बैठे बैठे कुछ भी चेयर वगैरह चबाते रहते हैं, या फिर जब आप खाना खाते हो तो आपकी तरफ मतलब खाना खाने के लिए मतलब ऐसे पूछ लाते रहते हैं, आपकी बात नहीं सुनते, आप कहते हो कि रूम कमरे के अंदर चले जाओ तो वो जाते नहीं है, ठीक है, कभी कोई गेस्ट आ जाता है तो उनके ऊपर कूदते रहते हैं। सो ये बहुत सारे इशू आपको डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। सो उन सब का इलाज हमने कर दिया है, आप देख सकते हो। राकेश क्या है भाई? और जो चीज नहीं हो सकती थी ना वो करके दिखाएंगे आपको, ये हमारी खुशी है और इसको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करके दिखाएंगे। और 1 तारीख से हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग बैच शुरू हो जाएगा, सो उन सब की डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। सप्लाई आ गया, चला दिया जी। सो कल से पानी का इशू आ रहा था तो चौहान जी बताने आए थे कि पानी आ गया, और ये आप देख सकते हो। राकेश 10 मिनट हो गए भाई को इसके साथ, और थोड़ा सा करके दिखाइयो भाई। राकेश मेरे साथ होती है तो इसका क्या काम होता, ये खोल के भाग जाती, ये आप सबको पता है। और अब ये मैं बोलू नहीं का और आराम से साइड में रहूंगा और फिर देखना है क्या करके दिखा। स्टे, स्टे, नो, स्टे, 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 दोस्तों आपने देखा खुशी इतनी देर तक ना रुक भी नहीं सकती थी, जिस हिसाब से ये एक जगह खड़ी रही, भाई ने कहा कि सेट तो ये बैठ भी गई तो। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं बताता हूँ 20 मिनट हुई है, 20 मिनट भी नहीं हुई होगी, 15-1 मिनट हुई है, और 15 मिनट में असर आप देख सकते हो। नो तो भाई मिरेकल हो गया, जादू हो गया, जादू। आज रचित की भाई मतलब ना लगा ले, इतना खुश है कि बता ही नहीं सकते। फिर अब पेट डाइवर्सिटी पे आने का फायदा तो होगा लोगों का बहुत बहुत भाई है? मतलब जो उम्मीद कहीं नहीं है ना वह यहाँ हो सकती है, वह यहाँ हो सकती है। तो भाई ये देखो अपने एड्रेस भी देख लो, नंबर भी देख लो, और अपने भाज के आ जाओ है। हाँ बिल्कुल, ट्रेनिंग के साथ साथ देख प्लम्बिंग का भी काम करते रहो, ऐसी कोई बात नहीं है, समाधान सारे है। जोक था ये, जोक। ये तो भाई है सारे इकट्ठे, तो कोई दिक्कत नहीं, ये मिरेकल देख लो ना आप। मतलब आप लोग जो मेरे पे भरोसा करते हो ना, देखो रियलिटी में सिर्फ 20 मिनट हुई है, 20 मिनट में ये जादू हो गया है। तो अब आपका जो भी डॉग हो, जो कितना ही नकटा हो, नकटा इन द सेंस हरियाणा में बोल दिया, कितना ही मतलब बात ना मानता हो, सो आप कर सकते हो इधर कॉल। बस क्या होना जरूरी है, एक्टिव होना जरूरी है, एक्टिव होना जरूरी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्टिव होना डॉग जरूरी है, एक्टिव नहीं होगा तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। हाँ तो 2-3 चीजें हम भी देखते हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी डॉग हो जाएगा ट्रेन, हफ्ते का टाइम लेते हैं हम भी और उसके बाद हम बता देते हैं कि सर हो जाएगा ट्रेन या नहीं हो पाएगा, है ना। सो सारा प्रोसेस आपको बता दिया है, अब कूजो को लेके चलेंगे। बाकी मेरा तो इससे नजर ही नहीं हट रही है, मैडम की देख लो लीस्ट छोड़ी हुई है और ये हिल रही हो तो बताओ। प्लम्बिंग क्लासेस चल रही है आज हमारी, इसका भी हम ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं। आपको चाहिए तो बता देना, ये यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में आता है ये। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, कि कौन सा ये पाइप कड़े लगा कर रहा है। नॉलेज हर तरह की मिलेगी, नॉलेज हर जगह इस तरह की मिलेगी आपको, सारे इलाज मिलेंगे यहाँ पे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका समाधान कहीं नहीं उसका यहाँ। हाँ यहाँ होता है, वापिस कह देते हैं पेट डाइवर्सिटी में। ये देखो खुशी, अब उसको ना प्ले टाइम दिया हुआ है, अब उसको खेलने के लिए, यूं नहीं कि हर टाइम पकड़े रखो मतलब कमांड में रखो, थोड़ी देर उसको भी घूमने दो। देखो अब इसको घूमने के लिए टाइम हमने खुद दिया हुआ है,
ये देखो आ गई ना। हाँ खुशी, तू भी नॉलेज लेने आई है क्या? नॉलेज लेने आई है तू? अब यहाँ क्लास लगाने आई है? एक दिन में इतनी समझदार कैसे बनेगी भाई तू? रोना आ जाएगा मुझे, ना कर इतना काम। सो कुजो को घुमाने ही लेके आया हूँ भाई, शाम को इवनिंग वॉक पे आया हूँ कुजो। और ना कुजो की ना मैं जब ये पोटी करेगा वो दिखाऊंगा कैसे करता है ये, मतलब चार पांच चक्कर काटता है ये फिर करता है। आज ऑलमोस्ट हमारा ये था कि कोनी की जो अपना वेल्पिंग बॉक्स है वो बन जाएगा। सो अगर बन गया तो ठीक है, आज के व्लॉग में दिखा दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग तक बन जाएगा। सो कोनी को भी घर पे शिफ्ट करूंगा मैं। सो एक बार अभी करेगा ना तब दिखाऊंगा आपको। ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, घूम के एक जगह जाके पोटी करेगा, ये देखना और अब जाके पोटी करेगा देखना। ये ऐसे पोटी का प्रेशर बढ़ाता है। ये मस्त मस्त चीजें देखने को मिलती है भाई। चले कुजो चल। कैसा लगा भाई? आप लोगों को कोई डॉग ऐसे करता है तो बताना, ये घूम घूम कैसे प्रेशर बढ़ाता है। लो भाई कुजो भी बहुत ज्यादा ना हाइपर एक्टिव डॉग है और ये हमारे ट्रेनर साहब के हाथ में फंस गया है। तो अब ये भी सही होने लग रहा है बिल्कुल। ये देखो भाई, ले भाई दीपांशु एक तो आ गया अपने पास डॉग। हाँ। अभी दीपांशु देख लियो, अगर तेरे को ज्यादा दिक्कत है ना, हाइपर एक्टिव है तो ये हो जाएगा ट्रेन। थोड़ा सा आपको क्लिप आपको अभी दे देते हैं। ये जो नाम है ना ये बहुत बड़ी रेवोल्यूशन लेके आने वाला है, सही बात नहीं है भाई मोहित? हाँ बिल्कुल भाई, दिखन नहीं लग गया तो भाई, एक दिन में दिखन लग गया, रेवोल्यूशन आने वाला बस और क्या। सो दोस्तों ये मेरे रात का रूटीन है। आप लोग देख रहे होंगे मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं कोने वाले केज में बैठा हूँ मेरी बेटी के साथ। देखो मैं इसके साथ ना, मैं कैमरे पे नहीं दिखाता, मैं सारे डॉग्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, कम से कम 20-25 मिनट कि सबको टाइम मिल जाए। सो अभी टाइम आया हुआ है कोनी के पास बैठने का और ये इसके केज में बैठा हूँ मैं, आप देख सकते हो ये इसका केज ही है, इसके केज के अंदर बैठा हूँ मैं, गेट बंद है और सामने कुजो बैठा हुआ है और पीछे अपने तीनों शिकारी खेल रहे हैं। हाँ हाँ ले कर रहा हूँ मैं, बैठू कर रहा हूँ। वैसे भी कोनी को ना भाई अब हम शिफ्ट करने वाले हैं घर पे, सो कल से आप कोनी को घर पे ही देखोगे क्योंकि कोनी का ना डिलीवरी टाइम पास आ रहा है। सो देखो इस चीज का कोई भी नहीं बता सकता कि कैसे क्या होगा, ठीक है ये सारा नेचुरल तरीका होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है, बट हम क्या कर सकते हैं, हम उस चीज की ना ज्यादा टेक केयर कर सकते हैं, ठीक है। और बस होप करते हैं आप लोग भी दुआ करो सब चीजें सही रहे, है ना मेरी बेटी को, सब चीजें सही रहे तो सब चीजें और सही रह जाएगी। तो कुजो को मैंने पहले टाइम, सबसे पहले कुजो के पास बैठा था 20 मिनट तक। जिसको नहीं पता कुजो हमारे हॉस्टल फैसिलिटी में आया हुआ है, 3 दिनों के लिए गेस्ट आए हैं हमारे पास। सो ये गोल्डन रिट्रीवर है, 4 साल का गोल्डन रिट्रीवर है ये मेल। सो ये 3 दिनों के लिए आया हुआ है, ये आज इसकी लास्ट नाइट है। सो बाकी मेरे इसके ओनर से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि हम 2 दिन और एक्सटेंड करवाना चाहते हैं आपकी फैसिलिटी। सो मैं कोई इशू नहीं है। सो देखो भाई ये मेरे को नहीं बैठे को मेन इशू ना, जो मैं जैसे पेट ओनर हूँ, मुझे सबसे ज्यादा मेन इशू आती थी 2 चीजों में। एक तो कि अपने डॉग्स को कहाँ रखूँ मैं, जो कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं थी और जो थी वो ट्रस्टेबल नहीं थी भाई, ट्रस्ट नहीं कर सकते थे हम। सो इसलिए मैंने हॉस्टल फैसिलिटी की ओपन करी। दूसरा डॉग ट्रेनिंग इसलिए करी क्योंकि वो हमारे आसपास तो है ही नहीं, हिसार शहर में और हिसार डिस्ट्रिक्ट के आसपास कोई है ही नहीं डॉग ट्रेनर अच्छा। सो इसलिए मैंने ये फैसिलिटी ओपन करी है। सो बाकी नेक्स्ट मंथ से सारी चीजें ओपन हो जाएंगी और जिसको भी अगर डॉग ट्रेनिंग करानी है, कोई हिसार से दूर रहता है चाहे कितना ही दूर हो, कोई इशू नहीं है, हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी है, वो हॉस्टल में रह के बच्चा तैयार हो सकता है आपका, ठीक है। सो अभी ठीक है कोनू, चले बेटू घर पे, कोनी तो कल जाएगी बट मैं जाऊंगा आज घर पे, चल मैं बेटू, ठीक है तेरी होगी मसाज, हो गया मैडम आपका। सो अभी देखो पीछे देखो, लड़ाकू विमान है, लड़ाकू विमान तीनों खेलते रहते हैं। सो दोस्तों मीट अवर भूरी और ये हमारे बुआ जी ने नाम इसका टप्पी रखा है। बुआ जी के पास पहले भी एक डॉग था, उसका नाम भी टप्पी था। टप्पी ठीक हो तुम? ये पहले ना बहुत ज्यादा वो था कि किसी की भी टांग पकड़ लेता था जाके, बट अभी हमारे साथ रह के सही हो गया। अब भूरी तो है ही मस्त,
है ना, तू मस्त है ना, ये मैं बिट्टू। हाँ ओ ले लेट। हेलो हेलो, ये मैं बिट्टू। गिल्ली कैसे हो रही है रे तू, हैं गिल्ली कहाँ के हो के आई है? गिल्ली होगी, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। सो ट्रेनिंग वाला भाई यार खुशी ट्रेन हो गया 20 मिनट में, और ये तो कुछ ट्रेन नहीं है, ये सिर्फ ये देखो आप, ये तो सिर्फ ट्रेलर टीजर था, ट्रेलर भी नहीं था। सो ट्रेलर भी निकलने वाला है और पूरी मूवी भी बना देंगे। सो आप लोग सपोर्ट करो, साथ कर दो। और हाँ, आप लोगों की नॉन में जिसको भी डॉग से इशू है ना, जैसे डॉग उनका डॉग उनकी बात नहीं मानता और उनको ट्रेनर की जरूरत है, सो आप पेट डोमेस्टिक का नंबर उनको दे सकते हो, है ना, तो उनकी भी मदद हो जाएगी और हम भी किसी एक डॉग को ऐसे परफेक्ट डॉग बना के भेज देंगे। सो ठीक है, इसी के साथ इस प्यार से व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। कोनी के लिए यार वेल्प इनबॉक्स बनवाना है, और वो जो बनाने वाला बंदा है ना यार, वो उसने इतना टरका दिया, इतना उसने आगे आगे कर दिया ना, 10 दिन हो गया उसको और 10 दिन से वो बॉक्स नहीं बनाया। चलो अब कल कह रहा है कल बनाएगा, तो कल बनाएगा तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिख जाएगा। ठीक है, इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ओके बाय बाय।